बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ की फिजिक्स का चैप्टर 8 का 8.8 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और इस न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें जो मैस है आइस का वो 100 ग्राम है। 100 ग्राम मैस को पहले हमने आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है और फिर उस वाटर का टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री तक पहुंचाना है। यानी कि आइस का पहले टेम्परेचर होगा -10 डिग्री सेंटीग्रेड और जो वाटर हम कन्वर्ट करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। -10 से 10 यानी कि कितना डिफरेंस आएगा 20 का। -10 से पहले 0 पर आएंगे ना, तो फिर 0 से 10 पर जाएंगे। 10 प्लस 10 20 केल्विन की इंक्रीज करनी है और ये वाला काम 3 स्टेप में होगा। तो हम इसको शुरू करते हैं। जैसे कि ये देखें एक ग्राफ है, इसको पहले थोड़ा सा समझ लें कि जब हम यहां देखें, यहां है -10, इस वाली लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पॉइंट 0 को शो करता है और ये 10 को, यानी कि इस तरफ हम टेम्परेचर ले लेते हैं और दूसरी तरफ जो हीट होगी इसको जो हीट दी जाएगी। मसलन जब आइस -10 डिग्री सेंटीग्रेड की हमें मिलेगी तो उसको हीट देंगे ना, तो वो टोटल वॉल्यूम में कन्वर्ट होने के लिए कुछ हीट लेगी। यानी कि यहां तक जाने तक 0 डिग्री टेम्परेचर होने तक वो जो बर्फ है पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाली 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बर्फ में कन्वर्ट होगी। यानी कि बर्फ टू बर्फ कन्वर्जन है, कोई स्टेट चेंज नहीं हो रही। बर्फ से पानी नहीं बन रहा, अभी बर्फ से बर्फ ही है लेकिन उसका टेम्परेचर -10 से 0 हो रहा है, यहां से यहां जा रहा है। और उसके बाद जब हम उस पानी को मजीद हीट देते हैं तो उसमें फिर वो पानी ही रहता है, हालांकि शुरू में भी पानी था एंड पर भी पानी रहेगा और उसका टेम्परेचर भी 0 ही रहेगा। और जो वो हीट लेगा वो हीट होगी कि पानी का जो टेम्परेचर तो 0 है लेकिन सारी की सारी बर्फ पानी में कन्वर्ट होने तक जो हीट लेगी वो इसमें आ जाएगी। उसको कहते हैं कि बर्फ से वाटर बन रहा है, तो मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फाइंड करनी है इसमें। और उसके बाद उस पानी का टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा यानी कि इसके बराबर यहां तक होगा। तो इसमें जितनी हीट लगेगी यहां से लेकर यहां तक ये बन जाएगी Q3 और इधर पानी यानी कि बर्फ से पानी बनने में जो हीट लगेगी वो Q2 और यहां पर जो -10 डिग्री की बर्फ है आइस है उसको 0 डिग्री की बर्फ में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी वो Q1 होगी। यानी कि 3 किस्म की हीट फाइंड करनी है और बाद में फिर जब टोटल हीट फाइंड करेंगे हम तो इन तीनों को ऐड करेंगे इस तरह करके, तो फिर हमारा आंसर आएगा। तो ये चीज फाइंड करने के लिए मैं अभी से इसको मिटाता हूं, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे कि आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो मैस है, मैस ऑफ आइस वो बराबर है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम के हम केजी बनाए तो कितने बनते हैं, 100/1000। जब इसको आप कैंसिल करेंगे 2 0 और बाकी 1/10 को पॉइंट में लिखें तो 0.1 केजी इतनी आइस है, 0.1 केजी। इसको जब हम इसका टेम्परेचर जो शुरू में है इनिशियल टेम्परेचर T1 हम लिख लेते हैं वो है -10 डिग्री सेंटीग्रेड और इसको कन्वर्ट कर देना है 273 ऐड करके केल्विन में, तो ये बन जाएगा 263 केल्विन। क्योंकि ये -10 था, जब ये 273 में ऐड होगा तो इसमें से माइनस होगा 263 केल्विन आ जाएगा। और इसके बाद आइस को जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं -10 से 0 वाली आइस में, तो यहां पर जो फाइनल टेम्परेचर होगा T2 वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसमें भी 273 ऐड करेंगे तो ये 273 केल्विन बन जाएगा, क्योंकि 0 में ऐड कर रहे हैं इसमें चेंज नहीं आनी। और इसके बाद डेल्टा टी फाइंड करेंगे कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो इस 273 -263 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 केल्विन का डिफरेंस आएगा।
जब बर्फ -10 से 0 डिग्री पर कन्वर्ट हो रहा है टेम्परेचर उसका, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना होगा 10 केल्विन। इसके बाद जो आइस होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी की वैल्यू 2100 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। बर्फ के लिए यानी कि आइस के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू ये होती है। और इसके बाद हम इसका फार्मूला लगाते हैं क्यू वन फाइंड करने के लिए, वो आ जाएगा एम सी डेल्टा टी। अब एम तो हमारे पास ये है 0.1 के जी, वो यहां लगा देंगे, और सी की वैल्यू 2100 और डेल्टा टी की वैल्यू ये जो 10 आई है ये लगाएंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 2100 जूल ही बनेगा, क्योंकि 0.1 और 10 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है, और वो 2100 से मल्टीप्लाई होगा तो 2100 जूल ही उसकी हीट आएगी। इसके बाद ये पहली स्टेज थी। इसके बाद दूसरी स्टेज ये है कि अब हमने ये चेंज किया था -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस, ये कन्वर्जन हुई थी पहली दफा। दूसरी दफा कन्वर्जन क्या होगी, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस इनटू 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, यानी कि टेम्परेचर में तो कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कुछ हीट देनी पड़ेगी। इसमें भी हमारे पास जो मैस होगा वही होगा 0.1 के जी, और इसके बाद यानी कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है इसमें टी वन जो होगा वो 0 डिग्री है, बरन इसमें जो हम आइस से वाटर में कन्वर्ट करते हैं ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, इसमें डेल्टा टी इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें एच एफ इस्तेमाल होता है वाटर के लिए, आइस टू वाटर जो कन्वर्जन है एच एफ इस्तेमाल होता है, और इसकी वैल्यू फिक्स है जो कि आपके क्वेश्चन में दी गई है 336,000 जूल पर केजी, ये इसकी यूनिट है। मैस दिया गया है और एच एफ दिया गया है, और तीसरी चीज हमने यहां पर फाइंड करनी है, यहां पर इस तरह से कर लेते हैं क्यू टू फाइंड करना है। तो फार्मूला इसका होगा क्यू टू इज इक्वल टू एम एच एफ, एम तो आ गया हमारा 0.1 और एच एफ 336,000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.1 इससे मल्टीप्लाई होकर इसका एक जीरो ही खत्म करेगा, कैलकुलेटर से आप सॉल्व भी करेंगे तो ये आ जाएगा इतने जाओ। ये दूसरा हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया आइस टू वाटर कन्वर्जन, और उसके लिए जो हीट हमें उस वाटर को देनी पड़ेगी, आइस को देनी पड़ेगी, वो इतनी आ जाएगी। इसके बाद तीसरा हिस्सा, तीसरे हिस्से में हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वाटर वाटर में कन्वर्ट होगा लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा। इस दफा मैस तो वही होगा जो शुरू से चल रहा है, जो आइस का था 0.1 केजी वही होगा इस वाटर की दफा भी, और उसके बाद जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है अब वो यहाँ यूज होगी, वो होती है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। और तीसरी चीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इस दफा 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, यानी कि टी वन अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 273 केल्विन आ जाएगा, और टी टू पानी का जो हमने जहां तक टेम्परेचर को इंक्रीज करना है वो 10 डिग्री है, तो टी टू आ जाएगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी 273 ऐड करके तो ये बन जाएगा 283 केल्विन, और डेल्टा टी फाइंड कर लेंगे टेम्परेचर का जो डिफरेंस इसमें आया 283 -273 माइनस करेंगे तो ये भी 10 केल्विन आएगा, और फाइंड यहां पर करना है क्यू थ्री, तीसरी जो हीट यानी कि वाटर को वाटर में कन्वर्ट करने में 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर पर इंक्रीज करने में जो इस्तेमाल हो गया वो यहां पर इस्तेमाल करनी। फार्मूला यहां लगेगा क्यू थ्री इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, एम की वैल्यू तो वही लगी 0.1
और वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आ जाएगी 4200 जो हमने यहां लिखी है ये, और डेल्टा टी की ये वाली 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4200 जूल, यानी कि 0.1 और 10 मल्टीप्लाई होकर 1 आ जाता है, और वो 1 4200 से मल्टीप्लाई होकर 4200 ही आएगा, तो लिहाजा तीसरी हीट जो है वो 4200 जूल आएगी। अब तीन किस्म की हीट हमने फाइंड की, पहली जो फाइंड की वो ये थी कि -10 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस में कन्वर्ट करने के लिए ये Q1 हमने फाइंड की कितने 2100 जूल, और दूसरी हीट जो कि यहां से हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट दी वो हमने फाइंड की Q2, और उसके लिए ये फार्मूला लगाया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, Q2 इज इक्वल टू MHF2, m की वैल्यू मास की और HF की वैल्यू फिक्स होती है, मल्टीप्लाई होकर ये आ गई Q2, ये आ गया। तो तीसरी हीट फाइंड करने के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है उसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए ये हमने करना है मास दिया गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दी गई 4200 और इनिशियल टेंपरेचर और फाइनल टेंपरेचर T1 और T2 हमने इसको लिखा, केल्विन में कन्वर्ट किया और इसका डिफरेंस निकाला तो ये डेल्टा टी आ गया, और इसके बाद Q3 का फार्मूला लगाया MC डेल्टा टी, ये वही फार्मूला है जो कि हमने पहला लगाया था यहां पर MC डेल्टा टी, क्योंकि इन दोनों में हम पहले में भी बर्फ को बर्फ ही रख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे थे, और यहां पर भी पानी को पानी रख रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, सिर्फ फर्क आएगा दरमियान वाला जो Q2 फाइंड किया था उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, यानी कि आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो लिहाजा यहां पर Q3 हमारे पास ये आ गया। अब हम जो टोटल हीट फाइंड करेंगे वो ये आ जाएगी Q = Q1 + Q2 + Q3, वैल्यू पुट कर देंगे, पहली थी 2100, दूसरी है 33600 और तीसरी आ जाती है इसमें 4200। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ऐड करने पर जो आंसर आएगा वो हम यहां पर लिखते हैं 2100 प्लस 33600 प्लस 4200, तो आंसर आएगा 39900 जूल। तो ये टोटल एनर्जी -10 डिग्री की आइस को 10 डिग्री के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए टोटल जो हीट हमें रिक्वायर्ड है या पानी को या बर्फ को दी जाएगी वो इतनी होगी। तो इस तरह ये फिजिक्स के 8वें चैप्टर का 8वां न्यूमेरिकल इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें आप अच्छी तरह से इसको बार बार पढ़ें, बार बार ये वीडियो देखें ताकि आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये वाला न्यूमेरिकल एक बच्चा जब बार बार हल करता है तब भी उसको आता है, एक दफा करने से याद नहीं रहता, जब बार बार वीडियो देखेगा बार बार हल करेगा तो फिर उसको ये न्यूमेरिकल याद हो जाएगा उसी वक्त। इसी के साथ ज्यादा चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।